जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात करेंगे फेसबुक मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी फॉर पाकिस्तान। अच्छा, जो रिसेंटली अभी अपडेट आई है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये मैंने पहले भी दो वीडियोस उसके ऊपर बनाई हैं, उसके अंदर क्राइटेरिया था जी कि लास्ट जो था वो पाकिस्तान वो एलिजिबिलिटी कंट्रीज़ के अंदर नहीं आता था, बिकॉज़ फेसबुक ने उसको एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट में अभी शामिल नहीं किया था। बट जैसे ही लास्ट दिसंबर ये 2021 गुजरा है, उसके अंदर जो फेसबुक ने ऑलमोस्ट 1.9 बिलियन यूज़र्स लूज़ किए हैं, तो उसके बाद ही उनकी टीम जो है वो इस वक्त इस पे वर्किंग कर रही है उन एलिजिबल इन एलिजिबल कंट्रीज़ के ऊपर जिनको अभी तक फेसबुक ने एलिजिबल नहीं किया। प्लस साथ ही जो उन्होंने बोनस क्राइटेरिया ये रील से रिलेटेड जो उन्होंने लॉन्च किया, तो इन दोनों सेगमेंट्स को लेके अभी रिसेंटली जो अपडेट आई है वो अपडेट ये है कि जी पाकिस्तान को वो बाय द एंड ऑफ मार्च एलिजिबल कर रहे हैं फॉर इंस्टीम एड्स, फॉर रील्स एंड फॉर रील बोनस प्रोग्राम, तीनों के लिए। क्योंकि रील बोनस प्रोग्राम की जो पहली अपडेट आई थी वो अपडेट ये थी कि जी वो सिर्फ एक मंथ के लिए लॉन्च कर रहे हैं, जो जनवरी के अंदर इन्होंने अपनी साइट के ऊपर अपडेट की थी अपडेट। लेकिन जो कल जो लेटेस्ट उनकी अपडेट है जो उनकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश भी हुई है, उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि ये ऑलमोस्ट जून तक रील्स और रील बोनस जो है वो इंटरनेशनली मतलब ये अपना प्रोग्राम जो है वो वर्क करेगा। और इसी के मुताबिक अब अगर पाकिस्तान को ये मार्च एंड के ऊपर एलिजिबल कर देते हैं, साथ ही इंस्ट्रीम एड्स भी एक्टिव हो जाएंगी और पेड सब्सक्रिप्शन भी एक्टिव हो जाएगी, प्लस जो है आपका जो है ये रील्स और रील बोनस क्राइटेरिया वो भी सारा लॉन्च हो जाएगा। अब ये वाली वो लिस्ट है जो पुराने लास्ट जो उनकी वेबसाइट के ऊपर अपडेटेड है, जिसके अंदर वो कंट्रीज हैं जो एलिजिबल हैं फॉर इन स्ट्रीमिंग एड्स जो रील्स एंड रील बोनस प्रोग्राम। अच्छा, इसके अंदर हम जो अभी करंट अपडेट आई है उसके मुताबिक जो है वो फेसबुक ये मार्च एंड तक जो है वो अपनी मोनेटाइजेशन क्लियर कर देगा और उसके अंदर वो पाकिस्तान को उन एलिजिबल कंट्रीज़ के अंदर कर देगा जिनके ऊपर वो पेज के थ्रू आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, इसका क्राइटेरिया सेम ही रहेगा कि जी 10,000 फॉलोअर्स आपको चाहिए और 600,000 ऑलमोस्ट 6 लाख मिनट व्यूज़ चाहिए आपको फ्रॉम लास्ट 60 डेज, और उसके लिए आप इन स्ट्रीम ऐड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा ज़रूरी मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि अभी करंटली क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रील्स और रील बोनस प्रोग्राम की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप फिर भी उसके लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपका पेज जो है वो किसी भी मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को अगर फुलफिल कर रहा है फेसबुक के, बेशक वो पाकिस्तान उस लिस्ट में नहीं आ रहा जो एलिजिबल कंट्रीज़ हैं, लेकिन अगर आपका कोई क्राइटेरिया जैसे इनस्ट्रीम एड्स, जो इनस्ट्रीम एड्स का तो खैर वो क्राइटेरिया अभी इसके ऊपर फॉल ही नहीं करता, अगर आर्टिकल इंस्टेंट आर्टिकल वाला, फैन सब्सक्रिप्शन वाला या जो स्टार वाला, अगर वो क्राइटेरिया आपका पेज के ऊपर फुलफिल हो रहा है तो आप रील्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और रील बोनस प्रोग्राम की तरफ भी जा सकते हैं। उसके अंदर एक ऑप्शन आई है क्योंकि मैंने अपने लास्ट जो 2 पेजेस हैं वो मैं पाकिस्तान से ही बैठ के रन कर रहा हूँ, बट उसके अंदर इंस्टेंट आर्टिकल की मेरी मोनेटाइजेशन क्लियर हो गई थी और उसके बाद मुझे फेसबुक के ऊपर रील्स भी मिल गई हैं और मैंने उसके बोनस प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर दिया। बोनस प्रोग्राम के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता दिया कि कैसे आपने वो फॉर्म फिल करना है और कैसे आपने अपनी एप्लीकेशन करनी है कि 7 डेज के अंदर अंदर फेसबुक की तरफ से आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी जिसके अंदर आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि यू आर एलिजिबल, योर पेज इज एलिजिबल फॉर फेसबुक रील्स बोनस प्रोग्राम। अच्छा, मुझे उम्मीद है आपको ये एक छोटी सी अपडेट जो है वो मतलब आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुई होगी, तो आप अपने पेजेस को तैयार करना शुरू कर दें। पेज को तैयार करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि आप कोई पेज क्रिएट करें और कोई नीश ऐसी रखें जो इस वक्त ट्रेंडिंग में हो, जिस तरह शॉर्ट वीडियोस हैं या शॉर्ट रील्स जो हैं फेसबुक के ऊपर, मतलब वो इस वक्त काफ़ी ट्रेंडिंग के अंदर है और उनको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑडियंस भी मिल जाती है, वो काफ़ी जल्दी आपकी रैंक भी हो जाती हैं वीडियोस। उनके ऊपर आप वर्किंग स्टार्ट करें, डेली की मिनिमम 10 to 15 अपलोड्स करें वीडियोस, वो आप देखिएगा कि ये 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली आपका पेज की तरह ग्रो कर जाता है और आप मिनिमम क्राइटेरिया को मीट कर जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मेरी।